राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का तीसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिटी का मैप दिया हुआ है, ठीक है, और सिटी के मैप पे अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरीके के आपको बिल्डिंग दिखेंगे, ठीक है, एक होगा ऑफिस और दूसरा होगा रेस्टोरेंट, और इन दोनों को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 रिप्रेजेंट ऑफिस एंड 1 रिप्रेजेंट रेस्टोरेंट। आप एक सिटी का ऑफिशियल है, आपको तीन बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है रैंडमली, ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन। बस एक कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव जो भी बिल्डिंग होंगे वो आपस में सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ बेसिकली रिप्रेजेंट जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आपने फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ बिल्डिंग सिलेक्ट किया, तो आपका जो जो तीन बिल्डिंग आपने सिलेक्ट किया वो तीन बिल्डिंग कौन से हो गए, 011, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1 के बाद अगेन आपने 1 सिलेक्ट कर लिया, यानी दो कंसेक्यूटिव बिल्डिंग आपस में सेम हो गए, एंड इट इज नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। आपने अगर 0 लिया फिर 1 लोगे और उसके बाद फिर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो अगेन आपको 0 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, यू आर बाउंडेड विद इट। यहाँ पर एक प्री कंडीशन लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो दो ही तरीके के केस अराइज कर सकते हैं, या तो आपने शुरुआत में 0 लिया तो अगले बार में आप बंद गए कि आपको 0 ही लेना पड़ेगा, और सेम अगर इस बार आपने 0 ले लिया, मतलब इस स्टेप पे आपने 0 ले लिया तो अगले स्टेप पे आपको 1 ही लेना पड़ेगा। वैसे ही शुरुआत में अगर आपने 0 लिया है तो अगले बार यू आर बाउंड टू टेक 1 एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू आर बाउंड टू टेक 0 अगेन, ठीक है। बस यही दोनों जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पॉसिबल वही हो सकते हैं, और इसमें जीरोस वेरी कर सकते हैं, वंस वेरी कर सकते हैं, एंड अगेन इधर भी सब चीज़ वेरी कर सकता है, पर जो फॉर्मेट होगा वो मोर और लेस यही फॉर्मेट फॉलो करने वाला है अपना आंसर अप्रोच, ठीक है। तो इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखते हैं और डिड्यूस करते हैं कि क्या क्या केसेस मेरे बन के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसे पहले मैंने इस 0 को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं 1 सिलेक्ट करूँगा, और 1 भी मैं कैसा 1 सेलेक्ट करूंगा कि उस 1 के बाद मुझे एक और एटलीस्ट एक और 0 तो मिले, ठीक है। तो इस 0 के बाद मैं कौन सा 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस 1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यस। इस 1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यस। क्या इस 1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नो, क्योंकि अगर मैं इस 1 को सिलेक्ट कर लूंगा तो उसके बाद फिर मुझे दूसरा 0 मिलेगा ही नहीं, ठीक है, थर्ड एलिमेंट में पुश करने के लिए। तो मैं इस 0 के साथ, फर्स्ट वाले 0 के साथ एक इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, एक इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले 0 को सेलेक्ट करता हूँ देन अगेन उसके बाद मैं सेकंड के लिए, मतलब सेकंड एलिमेंट जो होगा उसके लिए इन दोनों 1 में से किसी एक को चुन सकता हूँ, और लास्ट में मुझे तो मतलब एक ही 0 है तो इसी को मेरा सेलेक्ट करना मजबूरी है, तो ठीक है। आपने जब सेकंड 0 सेलेक्ट किया तो उसके लिए भी अगेन आपके पास दो ऑप्शन है। फिर अगेन आप जब 1 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास बाउंडेशन क्या है कि अगला जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए और इसका अगला एलिमेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर आप 1 को सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1101, यहाँ पर आपने इस 1 को सिलेक्ट किया तो इसके बाद आपको 0 ही सिलेक्ट करना है, आप इसी को सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद आपको 1 ही सिलेक्ट करना है, आप इसी को सिलेक्ट करोगे, यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन, एक ही तरीका है। फिर अगर आपने इस 1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर से अगेन आप देख सकते हो कि आपको एक 0 सेलेक्ट करना है, आप इस 0 को सेलेक्ट करोगे, फिर आपको आपको 1 सेलेक्ट करना है, आप इस 1 को सेलेक्ट करोगे, तो अगेन जब आपने फोर्थ वाले 1 को सेलेक्ट किया तो भी आपके पास एक रास्ता निकल कर आया। तो यहाँ पर आप देखें तो टोटल आपने कितनी कॉम्बिनेशंस बनाए, टोटल आपने बनाए 4 एंड 5 एंड 6, टोटल आपने 6 कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल तो बहुत अच्छा है, पर ये हम करेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे, तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, ठीक है, शायद लीड कोड को या कोड फोर्सेस का एडिटोरियल था या फिर हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स में हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जब भी आपको इस तरीके का 3 एलिमेंट सोचना हो ना तो आप बीच वाले एलिमेंट को फिक्स करो और उसके लेफ्ट और राइट पे फिर सोचो, वेरी करो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार एग्जाम्पल को ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। 0 0 1 1 0 1, ये अपना एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है 101, दूसरा क्या हो सकता है 010, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड एलिमेंट से चालू करता हूँ इटरेट करना और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक इटरेट करूंगा, ठीक है।
अब मैं सेकंड एलिमेंट से क्यों इटरेट करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो सेलेक्ट करना ही है और राइट में एटलीस्ट वन एलिमेंट तो सेलेक्ट करना ही है, तो इसलिए मैं सेकंड से सेकंड लास्ट तक ही इटरेट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जीरो मिला, ठीक है, तो अब मैं क्या खोजूंगा, इसके लेफ्ट में कितने वन पॉसिबल है, तो यहाँ पर इसके लेफ्ट में तो एक भी वन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर से जीरो आ गया। इसके राइट में कितने पॉसिबल वन हो सकते हैं, वेल इसके राइट में से वन चूज करने का मेरे पास तीन ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो टोटल मुझे कितना वे निकला, 0 × 3। ठीक है, ये अगेन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ये शायद कोड फोर्सेस वाले सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि ये एंड और क्या होता है पीएनसी में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इस वन को सिलेक्ट करो या और आप इस वन को सिलेक्ट करो या मतलब और अगेन आप इस वन को सिलेक्ट करो। ठीक है, और हर एक यहाँ पर जो आपने सिलेक्शन किया उसके साथ एंड मतलब इसके साथ इसको मतलब इधर से मान लीजिए, इधर तो कुछ आया नहीं है, अगर मान लीजिए इधर से भी आपके पास एक वन मिल जाता तो दिस विल गो विथ एक वन के साथ ये तीन जाता। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दो तरीका होता, दो वन होते, तो यहाँ पर एक वन के साथ ये तीन सेट होता, अगेन दूसरे वन के साथ, दूसरे वन के साथ ही अगेन ये तीनों वन को आप किसी अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर हम एंड लेते हैं, एंड दैट एंड को अगर हम मैथमेटिकली करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, और को अगर मैथमेटिकली करें तो दैट इज काउंटेड एज प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पीएनसी की बेसिक्स हैं, हमने अपने वीडियो में कई बार इसको डिस्कस किया है, तो आप अगर हमारे रेगुलर फॉलोअर भी हैं तो आपको ये सब चीज़ पता होगा। तो हमने यहाँ से शुरू किया खेल, ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि एक भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, 0 × 3 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर हम आए अगेन, ठीक है, यहाँ पर हम वन पे आ गए, तो हमने डिस्कस किया कि अगर हम वन पे हैं तो लेफ्ट से हमें जीरो चाहिए और राइट से भी अगेन हमें जीरो ही चाहिए, तो हम काउंट करेंगे इसके लेफ्ट से कितना हम जीरो सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस जीरो को और दिस जीरो को, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एंड इसके साथ हम राइट में कितना सेलेक्ट कर सकते हैं जीरो, वेल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दिस इज वन। ठीक है, अगेन इस वन को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने वन को फिक्स कर लिया बीच में तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचा, दो जीरो बचा। ठीक है, तो दिस जीरो और दिस जीरो अगेन और है, तो यहाँ पर टू, एंड इसके राइट में कितना जीरो पॉसिबल है, वन। ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन बना, फिर आगे बढ़ते खेल को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम इस जीरो पे हैं, जैसे हम इस जीरो पर आएंगे हमारे पास इसके लेफ्ट में सेलेक्ट करने के लिए कितने वंस का ऑप्शन है, दो वन का ऑप्शन है, अगर आप इसके राइट में देखेंगे तो कितने वन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, दैट काउंट्स कि आपके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 2 + 2 + 2 = 6। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने लॉजिक सोच लिया है तो आप कोड खुद से भी कर सकते हैं, पर एक बार मैं आपको अपना कोड से ट्राई रन करवा देता हूँ ताकि इसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपका तो ज़रूर क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे हमारा एक जो चैलेंज चल रहा है गो प्रो विथ प्रो कोडर्स, उधर भी हम इस तरीके के प्रीफिक्स सम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर भी हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स सम मुझे क्या बताएगा, ठीक है, अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे पर्टिकुलरली खड़ा हो जाऊं, अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, जो भी एग्जांपल दिया होता उसी को एक बार लेते हैं, 0 0 1 1 0 1। अब मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हो जाऊं, मैं मान लो इसी इंडेक्स पे खड़ा हो जाता हूं, तो इस इंडेक्स पे मैं क्या सवाल करूंगा कि क्योंकि ये इंडेक्स सेट है, मतलब इस इंडेक्स पे वन है, तो मैं सवाल करूंगा कि इसके लेफ्ट में कितने जीरोज हैं, तो ये मुझे पता होना चाहिए। और फिर दूसरा सवाल मैं क्या करूंगा कि इसके राइट में कितने जीरोज हैं, ठीक है, ये दूसरा सवाल रहेगा मेरा, और मुझे इन दोनों सवाल का जवाब ऑर्डर ऑफ वन में चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए मुझे प्रीफिक्स सम निकालना पड़ेगा, एक बार मैं इटरेट करके सभी का सम निकाल लूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक मुझे कितने जीरोज हैं, कितने वंस हैं, और तब मैं कोई भी सवाल पूछूंगा, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने पूछा जीरोज हैं, कितने हैं लेफ्ट में और राइट में, अब इसी अगर इंडेक्स पे मैं अगर सवाल करूंगा तो मैं सवाल करूंगा कि इसके लेफ्ट में कितने वंस हैं और राइट में कितने वंस हैं। ठीक है, मुझे इन दोनों सवाल का जवाब चाहिए ताकि मैं परमुटेशन कैलकुलेट कर सकूं। तो ये सब जो भी चीज़ हो, ये मेरा ऑर्डर ऑफ वन में हो, ये काफ़ी ज़रूरी है, तो इसके लिए मुझे क्या प्री कंप्यूट करना पड़ेगा, एक प्रीफिक्स सम, ठीक है, जो मुझे बताएगा कि उस इंडेक्स तक मेरे कितने वंस हैं, उस इंडेक्स तक मेरे कितने जीरोज हैं। ठीक है, और तो बस मुझे अगर ये दोनों कैलकुलेटेड है मेरे पहले से, मुझे पता है, तो फिर मैं उन दोनों ऑपरेशन को ऑर्डर ऑफ वन में कर दूंगा, और अगेन जब वो सब मैं ऑर्डर ऑफ वन में कर पा रहा हूँ तो टोटल
जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन ओनली, ठीक है। और क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन का अगेन स्पेस पे लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, एक बार उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने आंसर क्रिएट किया है जिसमें मैं स्टोर करूँगा अपना आंसर। ये प्रीफिक्स सम है जिसमें मैं जीरो स्टोर करूँगा उस इंडेक्स तक मेरे पास कितने जीरोज हैं, इसमें मैं काउंट करूँगा उस इंडेक्स तक मेरे कितने वंस हैं, ठीक है। ये सिंपल बेसिक है प्रीफिक्स सम बनाने का तरीका, आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना, कुछ भी खास नहीं है। ये हमारा प्रो विद ब्रो कोडेस वाला जो चैलेंज चल रहा है उधर भी हमने बेसिक इस तरीके के क्वेश्चन किया, और एरे वाले प्लेलिस्ट में प्लेसमेंट शीट का उसमें भी इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन किए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो जो इंडेक्स है वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है तो आपको उसको इनिशियलाइज ही करना है, आप उसके प्रीवियस वाले जीरोज एंड वंस को काउंट में नहीं लोगे। तो यहाँ पर से अगेन इफ इट इज़ जीरो तो जीरो का काउंट एक बढ़ा दोगे, अगर इट इज़ वन देन वन का काउंट एक बढ़ा दोगे, एल्स आपका जो भी होगा अगर वो मतलब अदर देन जीरोथ इंडेक्स है तो फिर आप उसका प्रीवियस एक आउट आपको एड ऑन करना पड़ेगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, जो भी होगा। इसको हम एक बूलियन तरीके से चेक कर रहे हैं, अगेन ये बिट वाले प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, या फिर हमारे जो प्लेसमेंट सीट है उसमें ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से डिस्कस है। अगर आपको इन सब बेसिक चीज़ में दिक्कत होती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, वी गारंटी यू कि आप न्यूबी से एक्सपर्ट बनोगे, एंड दैट्स अ गारंटी अगर आप ध्यान से ईमानदारी से उस चीज़ को उस शीट को फॉलो करते हो, ठीक है। अगेन फिर उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, बस जो हमने पीएनसी निकालना था वो निकालेंगे। यहाँ पर अगर ये हमारा वन निकल के आ रहा है, बीच वाला एलिमेंट हमारा वन निकल के आ रहा है, तो मैं लेफ्ट से क्या पूछूंगा, लेफ्ट से कितने जीरोज है भाई वो बता दो मुझे, और राइट से इस इंडेक्स के राइट से कितने जीरोज है वो बता दो भाई, ठीक है। और ये जैसे ही मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यही अगर मुझे बीच वाला जो एलिमेंट है मैंने जीरो मिल जाता मुझे, तो मैं पूछता कि लेफ्ट में कितने वंस है भाई, और इसके राइट में कितने, इस इंडेक्स के राइट में कितने वंस है भाई, ये दोनों का जो भी आंसर आता उन दोनों को मैं प्रोडक्ट करके आंसर में ऐड कर देता, ठीक है। और आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, इस पूरे एरे में ट्रेड करने के बाद, सेकंड से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ट्रेड करने के बाद जो भी मेरा आंसर आता मैं उसको रिटर्न करा देता, दैट विल बी माई आंसर। सो मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।